रोहित शर्मा आईपीएल 2024 के बाद मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ देंगे। न्यूज 24 ने इस बात की पुष्टि कर दी है। मुंबई इंडियंस में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उससे रोहित शर्मा नाखुश हैं। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की है, उससे रोहित शर्मा नाराज हैं। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में दरार पैदा कर दी है और उनके एक भी गेम नहीं जीतने से उनके लिए हालात और खराब हो गए हैं। मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हार की हैट्रिक के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी बहस हुई। फ्रेंचाइजी की एक खिलाड़ी ने न्यूज 24 को इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। इससे पहले कप्तानी को लेकर भी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच काफी कहासुनी हुई थी। आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस ने कप्तानी में बदलाव किया है। टीम के कप्तान के रूप में 5 खिताब जीतने वाले रोहित शर्मा को हटा दिया गया और फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाया, जिन्हें लीग से पहले गुजरात टाइटंस ने ट्रेड किया था। तय माना जा रहा है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2024 में मेगा नीलामी में प्रवेश करेंगे। ये कहना सही है कि अगर वो नीलामी में प्रवेश करते हैं तो हम सभी रिकॉर्ड टूटते हुए देख सकते हैं। सभी टीमें उन्हें बल्लेबाज और कप्तान के रूप में देखना चाहेगी, जिन्होंने 5 आईपीएल खिताब अपने नाम किए हैं। कप्तानी में बदलाव मुंबई इंडियंस के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आया है। फैंस भी इससे निराश हैं, क्योंकि उन्होंने हार्दिक पांड्या का कप्तान के तौर पर स्वागत नहीं किया है। मुंबई ने अब तक जितने भी मैच खेले हैं, उनमें इस ऑलराउंडर का हूटिंग के साथ स्वागत किया गया है और रोहित के नारों का भी सामना करना पड़ा है। उनके लिए मामला और खराब करने वाली बात ये है कि हार्दिक पांड्या फ्रेंचाइजी के लीडर के रूप में प्रभाव छोड़ने में असफल रहे हैं। इस ऑलराउंडर ने कई आसान गलतियां की है और मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में उनके नेतृत्व को लेकर काफी सवाल उठाए गए हैं। उनके नेतृत्व में स्टार स्टैंडर्ड लाइनअप होने के बावजूद मुंबई इंडियंस आईपीएल में एक भी गेम जीतने में असफल रही है। वे टूर्नामेंट में लगातार 3 गेम हार चुके हैं और अंक तालिका में सबसे नीचे हैं। इससे टीम को अपने खेल के तरीके के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तान के रूप में अपनी योग्यता साबित करने के लिए कम से कम 2 और गेम दिए जाएंगे। अगर ऑलराउंडर प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहता है तो मौजूदा आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी में बदलाव हो सकता है। रोहित शर्मा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अब मैं दोबारा मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं करूंगा। मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगले मुकाबले से पहले T20 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी वापसी कर सकते हैं। हमें कमेंट कर बताएं, क्या रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस छोड़ने का फैसला सही है? ये सारे सवालों के जवाब आप हमें कमेंट में लिख के बताएं।